हेलो गाइस, आज आए हम रमदा। देख सकते हैं आप, ये कुछ हरामी लोग बैठे हैं। हाँ, अबे फोटो नहीं है भाई, वीडियो बना रहा हूँ मैं तो। हाँ देखो, ये देखो, आप नंबर से बताता हूँ। अरे यार, नाम से बताता हूँ, चलो। ये देवेंद्र मास्टर, अब यार कितने बताऊं। अब जय भैया, भैया तुम्हारा नाम क्या है? सुनना, ध्रुव। ये ध्रुव भैया, उसके बाजू में गौरव, गौरव के बाजू में ललित भैया, ललित के बाजू में अंकित ठाकुर, सतीन शास्त्री जी। ये शास्त्री जी हैं, ये डॉक्टर साहब हैं हमारे गांव के। हाँ, डॉक्टर साहब जरूरी हैं, मुझे तो जानते ही आप। देखिए कमीने लोग हैं हमारे ग्रुप के, हैं 10-11 जन आए हम लोग। चल आप देख सकते हैं, राधे राधे। 10-11 जन हैं हम लोग। देखिए और चलो, देखिए ये मास्टर साहब, ये देवेंद्र मास्टर हैं हमारे। और बढ़िया है भाई साहब। हाँ, ये बात है यार, प्राकृतिक। हाँ हाँ भाई, प्राकृतिक। ये गांव का साध कपूर है, नवीन भाई है, उधर उधर जन्ना। ये हमारा छोटा भाई है राहुल। ये डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब है हमारे गांव के फ्यूचर डॉक्टर। जैसे आपने सुना होगा, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर जो भी सन होता है, फ्यूचर डॉक्टर है। और ये है हमारे, अरे काका सुन तो ले। अरे ये हमारा काका है, ये हमारा काका है दिलीप। और ये भैया ललित भैया मेरे पीछे, पूरा जैसा हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा पूरा देख सकते हैं आप। ये पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र, जैसा कि आपको ब्लॉग में दिखाई दे रहा होगा कि देखिए आप, यहाँ झरना बहता है। झरना मींस आप समझ रहे होंगे, जो झरना होता है वो देखिए आप मेरे पीछे एकदम बैकग्राउंड में, कितना मतलब विशाल जंगल टाइप है। कुछ नेचुरल चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए जंगल है पूरा, बट यहाँ जंगली जानवर का ऐसा कोई खौफ नहीं है, देख सकते हैं आप। ये नेचुरल झरना है, जो हम लोगों को खुद नहीं पता है कि पानी आता कहाँ से है। आप देख सकते हैं ये पानी है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये नेचुरल, देख सकते हैं आप, नेचुरल चीज़ है ये। जैसा आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ये देखिए नेचुरल पानी। पानी मतलब पत्थरों के नीचे होके, पत्थरों के नीचे देख सकते हैं आप, ये पानी का आगमन देख सकते हैं आप। देखिए आप उधर, मैं आपको और पास में जाके बताता हूँ। ये देखिए लो, आपको बता के मुझे एक आश्चर्य, एक बात बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये शिव जी की पिंडी है। यहाँ पर बताते हैं कि मतलब ये अपने आप ऐसा, अपने आप ऐसे पत्थरों की शिला जब खोदी गई थी तो ये अपने आप आई, अपने आप। ये आप देख सकते हैं, ये नवीन भैया, ये उत्सुक है। ये महादेव बाबा की पिंडी को स्नान करा रहे हैं। बेटा 7 बार किया जाता है ऐसा, 7 बार चढ़ाया जाता है जल महादेव बाबा पे। देवों के देव महादेव हैं ये। ये आप सब लोग एक एक करके स्नान करा सकते हैं आप लोग। रुके यार, ये नवीन भैया, फोटो लेना है, वीडियो बन रही अब तो। चल ला तू, काका हमारा ये भोले बाबा की प्रतिमा को नहलाते हुए स्नान करा रहे हैं। मछली पकड़ लो। ये ललित भैया हैं, ये भोले बाबा की पिंडी को स्नान करा रहे हैं ये। ओ पंडित जी,
भाई मंत्र तो बोलो यार, ब्राह्मण के बच्चे हो गए यार, तो मंत्र नहीं बोल रहे यार। बोला फिर नहीं, थोड़ा तेज बोलोगे तो थोड़ा हमारी ब्लॉग में भी असर आएगा। ओम प्रेम भगम जदाम हे सुगंध पाठ चलन दे। किसी ने मेरा नाम भी आप एडिट किया हुआ है। मामृतंज जदाम चलन दे। ओम प्रेम भगम जदाम हे सुगंधम पुष्टि वर्धनम दुर्वारोगम विपन्नानां वित्तोर मुच्छी यमामृत वंदे देव महापतिम सुरवरम वंदे जगत कारणम वंदे। ये देखिए, देख सकते हैं ये शिव शंभू कैलाशपति। ये आंटी जी यहाँ पे ऐसी मान्यता, यहाँ से जो ये पानी भर रही है ना इसमें से, यहाँ पे मान्यता है पवित्र जल माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी बोतल भर के ले जा रही है यहाँ से, चर्म रोग दूर हो जाता है। यहाँ से इस पानी से चर्म रोग दूर हो जाता है ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे यहाँ पे स्नान कर रहे हैं अपना, और यहाँ के ये बाबा हैं जो कि दिव्य बाबा हैं, और वो स्नान करते हुए स्नान कर रहे हैं अपना। देख सकते हैं अभी खड़े हैं, अंदर एक कुंड है यहाँ पे जो प्राकृतिक तरीके से पानी आ रहा है इसके अंदर। पहले राजस्थान में फिर राजा महाराजा ने कहा राज्य चलते। देखिए ये डिस्कशन कर रहे हैं, अगर ध्यान ही नहीं सीमा नहीं है तो ध्यान नहीं पकड़ा है। चूतिया ने स्थापना कर दी है, ये चित्र कर रहा थी गरीब जी करी हुए क्या बना रहे हैं, बना रहे ये बाबा इनको मतलब बता रहे हैं कि मतलब क्या क्या हुआ था इधर। मतलब भाई अनुभवी आदमी है ये, उम्र वाले इंसान है, तो इनको मालूम है कैसा है, इधर ही के रहवासी हैं। तो ये पूरा जंगल है, तो उस हिसाब से क्या है लोगों को मालूम रहता है ना, जिस एरिया में रहते हैं उस हिसाब से अभी इनको पता है कैसा क्या क्या उगाता है ऐसा, लोग बार बता तो उस हिसाब से बता रहे हैं। अभी देखो हमारे गांव के रवि भैया हैं, रवि परमार, जो इस क्षेत्र की हाँ छोटा बनाऊंगा बड़ा ऐसे बना ले छोटा और का। तो मैं बता रहा था अभी कि यहाँ की ये मंदिर है, यहाँ इसे जो स्थान का नाम है उसे रमदा स्थान के नाम से। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखिए, और यहाँ की ये ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखता है, और वो इस तरह से यहाँ पर जो ये जो विशेष प्रकार के पत्र हैं उनसे कुछ घर जैसा बनाते हैं, तो उनकी जो मनोकामनाएं घर की, जो जिसका घर नहीं बना हुआ है तो जिसकी वो घर की मनोकामना है, तो ऐसी मान्यता है कि वो पूर्ण होती है यहाँ पर जो भी घर बनाते हैं देखिए ऐसे विशेष पत्रों से, तो उसकी मान्यता ये है कि उसकी श्रद्धा पूर्ण होती है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये देखिए साइड से बाउंड्री बनाते हुए, और एक बाड़ा टाइप का बनाया है। बहुत बढ़िया। कुछ और भी लोग आए थे यहाँ पर, वो भी टोटल 11 जन बना कर गए हैं। टोटल 11 जन आए हैं हम लोग बाइक से। हमारे जो और भी साथी हैं सत्येंद्र भैया वो उधर बैठे हुए हैं। बने को भाड़ो जे बने को वो गार्डन गार्डन होता ना घर में, जी जे वो फब्बारो क्या बात घर के अंदर। ठीक है, ये हो गया घर हमारा। ठीक है, जहाँ मैं भाऊ मम्मी पापा और दो बच्चे मेरे, ये हो गए हम इसमें घर में अंदर। बहुत बढ़िया। अब ये हो गया घर हमारा तैयार। अब आखिर स्नान विस्नान से फ्री ले लियो।
सबसे फ्री हो गए, जाने की तैयारी घर पे। मम्मी भी फोन करने लग गई है, लेट बहुत हो चुके हैं हम लोग भी। तकरीबन 10 बजे के निकले हैं सुबह यार। भैया का समझे तो चिल्ला चिल्ला मजाते हैं को खराब मोड़े कह रहे हैं तो नवीन भेजो फायदा उठाएगा। हो गया पूरा ब्लॉक।